फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो है थिंग्स यू नीड टू हियर राइट नाउ। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ये कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये चीज़ है जिसे अभी जानना समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम तक पहुंचना अब भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से जो अगर हम जानेंगे तो हम हमारा फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंस ला सकते हैं, या फिर जो भी है अवॉइड कर सकते हैं चीज़ों को, या फिर उस हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं ताकि वो सक्सेस जो आ रहा है वो हमारा ही हो। ठीक है, तो उसके लिए हम स्पेशल रीडिंग आज कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। इसमें मैं राशियों के हिसाब से हो सकता है बताऊंगी, या फिर जैसे मुझे रीडिंग गाइड करता है, मैं वैसे जाती हूँ इसलिए मैं पहले ही नहीं बताती, जैसे मुझे रीडिंग गाइड करेगी। एक मैसेज मैं हर राशि के लिए निकालूंगी, ठीक है, एक मैसेज हर राशि के लिए, और वो चीज़ आपके लिए ध्यान में रखनी है। इसमें टाइम स्टैम्प्स डालना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि 12 राशियाँ हैं, तो आप अपने हिसाब से ये वीडियो देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बीच बीच में भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें, टिप्स ट्रिक्स शेयर करती जाऊँगी आपको इस रीडिंग में, तो आप ज़रूर अपने हिसाब से रीडिंग को फॉलो कर लेना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम एयर साइंस से। ठीक है, थिंग्स यू नीड टू हियर राइट नाउ। बिफोर वी स्टार्ट विद द रीडिंग गाइज, पहले रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एंजल थेरेपी के बारे में बताती हूँ। आई नो थोड़ा टाइम जाएगा, पर प्लीज़ सुन लेना। एंजल थेरेपी का बैच नंबर 19 हमारा शुरू हो रहा है 12 नवंबर से। इसकी फ़ीस जो है सिर्फ 1000 रुपीज़ हैं। 21 डेज का लंबा कोर्स है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। ये एक कॉन्फिडेंस के साथ, गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मैं 21 डेज के बाद अपनी लाइफ का हर हिस्सा आप अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाओगे, समझ पाओगे, एंड उस हिसाब से अपने लाइफ में चेंजेस लाकर सक्सेस की तरफ आप बढ़ पाओगे, अगर आप 100% डेडिकेशन के साथ ये कोर्स करते हो तो। ठीक है, सो व्हाट्सएप नंबर है 7666-157-456। मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करना, मैं कोर्स के सारे डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे, मैसेज पे दे दूँगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ वीडियो। शुरू करते हैं एयर साइंस की के साथ। जेमिनाई के लिए क्या मैसेज आ रहा है देखते हैं। जेमिनाई मिथुन राशि के लिए यूनिवर्स, ओके, मिथुन राशि के लिए मैं कहूँगी आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड, बाकी सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है ऐसा आपको लग रहा है भी इस वक्त में, बट हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फोकस कीजिए अपने हेल्थ पे, बाकी कुछ चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। एक्सरसाइज, प्रॉपर हेल्थ, पेट का, खास करके पेट और पीठ, बैक एंड स्टमक, ये दो चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखिए। लिब्रा तुला राशि के लिए देखते हैं। ओके, लिब्रा तुला राशि के लिए ट्रैवल का योग बनता दिखाई दे रहा है, घूमने फिरने का योग, या फिर वर्क के हिसाब से हो सकता है, पर ट्रैवल का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त में आपको अपनी बिलोंगिंग्स का ज़्यादातर ख्याल रखना है। जनरली भी लिब्रा वालों के लिए मैं कहूँगी कि आप अपने चीज़ों का, अपने बिलोंगिंग्स का, वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स का, जो महंगी चीज़ें हैं अपनी, उसका ज़्यादा ख्याल रखिए। ठीक है, और जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपको लगता है कि कुछ चुरा सकते हैं मुझसे, उनसे दूर रहिए। ओके, लिब्रा वालों के लिए। अभी एक्वेरियस पे बढ़ते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए क्या है मैसेज। ओके, ओके, एक्वेरियस वालों के लिए आपको अभी
आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी इशू है या फिर कोई भी है तीसरा इंसान जो दो लोगों के बीच में टांग अड़ा रहा है, ऐसा जो तीसरा इंसान है, उस तीसरे इंसान का जो है खेल अभी ख़त्म होने वाला है। पर इस वक्त में आपको समझना है कुंभ एक्वेरियस वालों के लिए कि उस तीसरे इंसान को आप गाली गलौच मत करो, आप बुरा मत बोलो, आप चुप रहो। जो सामने से ही उसका खुद का मुंह बंद होने वाला है, जो आपके दुश्मन है ओके, उनका खुद ही मुंह बंद होने वाला है। आप ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से आप बुरे दिखे, ठीक है। ये कुंभ वालों के लिए मैसेज है। अभी फायर साइंस की तरफ बढ़ते हैं। एरिस मेष राशि, ओके, दिल का मामला दिखाई देता है। एरिस राशि, मेष राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपका दिल जिसने तोड़ा था वो इंसान आपको इस वक्त में माफ़ी मांगता दिखाई दे रहा है। ओके, आपको बड़ा दिल करके माफ़ कर देना है, ठीक है। अभी ये माफ़ी जो है वो सामने से आकर मांगेगा या फिर एनर्जेटिकली हो सकता है कि वो ऐसी कुछ चीज़ें करे जिसकी वजह से आपको समझ में आए कि उसको पश्चाताप हो रहा है आपको छोड़ने का, ठीक है। वो रिग्रेट कर रहा है आपको छोड़कर या फिर आपका दिल तोड़कर। तो इस वक्त में आपको अपना दिल बड़ा रखकर, मैं ये नहीं कह रही माफ़ कर दो, मैं ये कह रही हूँ भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ। लियो सिंह राशि के लिए देखते हैं। ओके, सिंह राशि के भी ट्रैवल के योग बन रहे हैं। ओके, सिंह राशि के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज आ रहा है कि अपनी फैमिली में ध्यान रखो कि आप किससे कौन सी बातें कर रहे हो, कितना शेयर कर रहे हो, ठीक है। फैमिली यानी कि एकदम फैमिली नहीं, जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, अगर आप उनके साथ इस वक्त में टाइम स्पेंड करने वाले हो या फिर आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहते हो हमेशा, तो ध्यान रखो कि आप अपनी घर की या फिर सारी बातें डीप में उनको हमेशा बताते ना रहें। वो उसका फ़ायदा उठाने की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं, तो उतना ही बोलो जितना उनको समझना ज़रूरी है। सारी चीज़ें उनसे शेयर मत करो, ठीक है, स्पेसिफिकली रिलेटिव्स वगैरह उनसे सारी चीज़ें मत शेयर करो। सैजिटेरियस धनु, ओके, धनु सैजिटेरियस के लिए कोई कार्मिक रिश्ता ख़त्म हो रहा है इस वक्त में। आपको ये समझना है कि वो कार्मिक रिश्ता है, उसे जाने दीजिए, उसके पीछे मत भागिए। वो नेगेटिव है, वो जाना ही था, आज नहीं तो कल जाना ही था, अभी आज जा रहा है, जाने दो, ठीक है। अगर ये ज़िंदगी में रहेगा तो उथल पुथल मचाते रहेगा ये रिश्ता, ठीक है। तो इसको जाना ही ज़रूरी है। अगर तकलीफ़ भी होती है, कुछ लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, कुछ लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है, तो मोस्टली उसको खुशी खुशी इस रिश्ते को जाने दो। बढ़ते हैं अर्थ साइंस टॉरस की तरफ, बढ़ते हैं वृष राशि। लाइफ बहुत बिजी होने वाली है, ये दिखाई देता है, हो गई होगी या फिर होने वाली है। लाइफ बहुत बिजी होने वाली है, पर इस वक्त में जो फैमिली है एक्चुअली उनको टाइम दो। वर्क में इतना भी बिजी मत हो जाओ कि सारी चीज़ें आप भूल जाओ, ठीक है। अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, अपना प्रायोरिटी सेट करो, एंड वर्क भी प्रायोरिटी है बट एट द सेम टाइम आपकी फैमिली भी आपकी प्रायोरिटी है, ये आपको समझना है। टॉरस वृष, ठीक है। वर्गो कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं। ओके, वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि के लिए दिखाई देता है कि आपके लाइफ में बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत जल्दी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और वो आपकी लाइफ में बहुत सारा बेनिफिट आपको देकर जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहिए, जो आपको आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा आगे जाकर, ठीक है।
अच्छा साबित होगा, अभी भी आगे जाकर भी और अभी भी बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए। कैप्रिकॉन मकर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, कैप्रिकॉन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मकर राशि के लिए। अगर ब्लैक मैजिक या फिर जेलसी, ईविल आई, नज़र लगाना, ऐसी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में चल रही हैं, चल रही थी, तो इस वक्त में आपको उसका तगड़ा सॉल्यूशन मिलता दिखाई दे रहा है ये 15 दिनों में। ओके, विच इज़ अ गुड थिंग, बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपके लिए आ रहा है उस ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, जेलसी को लेकर। ठीक है, वाटर साइंस की तरफ बढ़ते हैं। कैंसर कर्क राशि, कर्क राशि के लिए भी ट्रैवल के योग दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि की लाइफ में, आपके लाइफ में मुझे सेलिब्रेशन आता दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा त्यौहार या फिर कुछ शादी ब्याह या फिर जो भी है, आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ अचीव करते हुए अपने लाइफ में दिखाई दे रहे हो, अचीव कर रहे हो कुछ अपनी लाइफ में। एंड इस वक्त में ऐसे लोग जो आपको वेल विशर्स आप समझ सकते हो, वो आपको आपके बारे में ख़राब बातें बोलने के चांसेस दिखाई देते हैं। इस वक्त में आपको शांत रहना है। जो सक्सेसफुल होता है ना, उसका काम ही होता है, वो दिखाता है कि वो कितना सही है कितना गलत है। आप मुंह मत खोलना, ठीक है, आपका काम आपके लिए बोलेगा, आपको झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, झगड़ा होगा ऐसा नहीं मैं ये कह रही हूँ, अचीवमेंट जब आता है ना, सक्सेस जब आता है, तो उसके साथ जेलसी भी लोगों की आ ही जाती है। लोगों को, ऐसे लोग हैं ज़िंदगी में, दुनिया में, जिनको अच्छा देखा नहीं जाता किसी का, तो ऐसे लोगों से दूरियां बना कर रखो। स्कॉर्पियो देखते हैं, वृश्चिक राशि। ओके, वृश्चिक राशि के लिए किसी ने आपसे कुछ झूठ बोला है, वो झूठ आपका, आपको सामने आता हुआ, या फिर आपको पता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, पर उसका झूठ बहुत सालों से छुपा हुआ है, उस इंसान का झूठ सबके सामने आता हुआ दिखाई देता है। ओके, उस इंसान का झूठ सबके सामने दिखाई देता है, आता हुआ आपका, आपके चाहे वो दुश्मन हो या फिर लवर हो या फिर जो भी है, जिन्होंने कुछ झूठ बोला है आपसे, आपको हो सकता है कि पता है वो झूठ है, या फिर हो सकता है कि पता नहीं वो झूठ है, पर वो सामने आने वाला है, सबके खुलासा होने वाला है, ये दिखाई देता है। लास्ट राशि की तरफ बढ़ते हैं, पाइसिस मीन राशि। एंजल से कनेक्ट होने का समय है पाइसिस राशि, बहुत ज़रूरी है आपको कि आप अभी स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में अपने आप को सबमिट करें। पाइसिस आपके लाइफ में मुझे शांति, सुकून, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। कंसंट्रेशन, स्टडी करने का शायद आपको मौका मिल रहा है, कुछ नया करने का आपको मौका मिल रहा है, उस मौके का फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। लेज़ी अगर हो, अगर लेज़ी हो, आलसी हो, तो इस वक्त में सारा आलस छोड़ दो पीछे और काम पे लग जाओ, क्योंकि आपको आप ढेर सारी भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और उनको, उनका फ़ायदा उठाना अभी आपके हाथ में है। ठीक है, सो ये थे मैसेजेस राशियों के लिए, थिंग्स यू नीड टू नो राइट नाउ। ये चीज़ें अभी आपको जानना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हो सकता है कि आपको क्लिक हो गया हो कि हाँ, ये मुझे जानना ज़रूरी है, ताकि उस हिसाब से मैं अपने स्टेप्स आगे ले सकूँ लाइफ में, राइट? सो इसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आया है। अगर रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखिए कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ये वीडियो और इससे आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको रेजोनेट होना शुरू हो जाए। एंड एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर है 7666157456, ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।